ये कक्षा 5 की हिंदी की कहानियां हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनकवसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसमें उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनमें से 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।